ट्वीनक्राफ्ट ऐप से बने वीडियो से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के अक्सर सवाल आते हैं कि यदि हम अपने YouTube चैनल के लिए ट्वीनक्राफ्ट ऐप से बना वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो क्या हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, YouTube इस तरह की वीडियोस को मोनेटाइज करता है या नहीं करता। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से इसी बारे में बात करने वाला हूं। सोचो अगर आप भी अपने YouTube चैनल के लिए ट्वीनक्राफ्ट ऐप की मदद से YouTube वीडियो बनाते हैं या फिर इसी तरह के और भी किसी सॉफ्टवेयर से यदि आप कार्टून एंड एनिमेशन टाइप की वीडियोस को बनाते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो से आपको एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस तरह की वीडियोज़ के मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम इस तरह के कंटेंट की बात करें जो कि मोस्टली किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक कंटेंट का तरीका ये हो सकता है जहाँ पर आप खुद से किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई वीडियो तैयार करते हैं, एग्जाम्पल के लिए फेस कैम वीडियो या फिर वॉइस ओवर वीडियो, जहाँ पर ज़्यादातर कंटेंट जो है वो आप खुद से ढूंढते हैं, खुद से ऐड करते हैं और उनको मिक्स करके आप खुद से अपना एक वीडियो तैयार करते हैं। लेकिन वहीं इसके उलट कुछ सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे ट्वीनक्राफ्ट ऐप हो गया, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती हैं, यहाँ पर कुछ ही चीज़ें हैं जो कि आपको ऐड करनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए ट्वीनक्राफ्ट ऐप में आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, कैरेक्टर मिल जाएंगे, आप अपनी वीडियो में और भी जो अलग तरह की चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो सभी उसके स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा। केवल और केवल उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको वॉइस ऐड करनी पड़ती है और वीडियो को आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होता है। यहाँ पर आप जिस भी तरह की वीडियो चाहें ट्वीनक्राफ्ट ऐप की मदद से तैयार कर सकते हैं। मोस्टली ट्वीनक्राफ्ट ऐप की मदद से स्टोरी टाइप की वीडियोस बनाई जाती हैं, जहाँ पर कुछ कहानियाँ अपनी ऑडियंस को सुनाई जाती हैं या फिर आप इसके थ्रू कुछ फनी वीडियोस भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो ये कार्टून टाइप की वीडियो होती हैं, दूसरा इसमें जो कंटेंट है वो भी सारा का सारा उसी सॉफ्टवेयर के अंदर का होता है और हम अब इसमें केवल और केवल अपनी आवाज़ ऐड करते हैं, उसमें भी यहाँ पर जो हमारी आवाज़ है वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पर एक तो कंटेंट भी काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर से जनरेट किया हुआ होता है, आवाज़ भी हमारी इसमें चेंज होती है, तो कई सारे लोगों को यहाँ पर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारा अपना नहीं है, तो हो सकता है कल को जो है वो सॉफ्टवेयर के जो ओनर हैं उनको भी यहाँ पर किसी तरह से प्रॉब्लम हो कि हम उनके ऐप के थ्रू वीडियो तैयार करें, मोनेटाइज करें और हम जो है वो उससे पैसे कमा रहे हैं, तो हो सकता है कल को उनको भी इससे किसी भी तरह के कोई ऐतराज़ हो सके। तो इसके लिए वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आप सभी को समझा देता हूँ। तो पहले तो हम बात करते हैं ऐप के ओनर के बारे में कि ऐप के ओनर को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, क्योंकि ये कार्टून मेकर या एनिमेशन जनरेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कार्टून वीडियोस बना सकते हैं और जिस किसी ने भी इस ऐप को अपलोड किया है वो इसीलिए किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सॉफ्टवेयर की मदद से जुड़ सकें और इसके थ्रू वीडियोस को बना सकें और वो जो है वो इसे सोशल मीडियाज पर अपलोड कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस तरह की वीडियो देखें तो वो भी उनके सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। तो देखिए, जब तक आप इसके पॉजिटिव साइड पर वर्क करते हैं तब तक आपको दिक्कत नहीं होती है। उदाहरण के लिए उसकी जो भी पेड सर्विसेज हैं या प्रीमियम चीज़ें हैं उनको फ्री में डाउनलोड करना या उनके सॉफ्टवेयर को क्रैक करना या और भी किसी तरह से मॉडिफाई करना, इस तरह की चीज़ें जब तक आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में किसी को नहीं बताते हैं तब तक यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जेन्युइन तरीके से आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। उनके ऑनर यहाँ पर चाहें तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से उनके सॉफ्टवेयर से वीडियो बनाएंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा। और अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए, उनसे समझने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर इसी एप्लीकेशन के सबसे नीचे आपको कॉन्टैक्ट डेवलपर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आपको उनकी मेल आईडी मिल जाती है, उस मेल आईडी पर डायरेक्टली आप मेल करके उनसे पूछ भी सकते हैं। एक बार मैंने अपनी तरफ से भी आप सभी लोगों के लिए मेल करके पूछा था कि क्या हम इससे तैयार वीडियोस को यूट्यूब पर मोनेटाइज कर सकते हैं और उन्होंने कहा था हाँ, उन्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप भी अपनी संतुष्टि के लिए अपनी तरफ से भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर यूट्यूब की। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर ट्वीनक्राफ्ट ऐप के थ्रू बहुत ही लंबे टाइम से जिस तरह की स्टोरीज या वीडियोस बनी आ रही हैं उसी तरह की सेम कॉपी वीडियोस यदि बनाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको भी जो है वो रीयूज कंटेंट आ जाए, नो डाउट। लेकिन आप यहाँ पर इसी सॉफ्टवेयर के साथ यदि कोई नई स्टोरी और कोई नया कॉन्सेप्ट यदि लेके आते हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं जिसे शायद ही पहले अपलोड किया गया हो या उस तरह की वीडियोस आपको बहुत ही कम यूट्यूब पर देखने को मिलेगी,
उस केस में इस तरह का जो कंटेंट है वो आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। भले ही इसमें आप अपना पूरा वीडियो सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार करते हो, आपकी वॉइसेस भी चेंज होती है, उसके बावजूद भी आपका कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। बट वही आप यूट्यूब से ही यदि कोई स्टोरी उठा लेते हैं, उन्हीं के जैसा आप कोई वीडियो तैयार करके और अपने से वीडियो बना के यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपका कंटेंट पहले से ही बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मोनेटाइज होने के बहुत ही कम चांसेस है। अगर आप सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट और एक नई चीज़ों के साथ अगर यूट्यूब पर आते हैं और इससे वीडियो बनाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।